बजे खाना पीना ख़त्म। हाँ माँ, हाँ गूगल माता बकवा कर रही है। फिलहाल खाना पीना ख़त्म एंड नाउ टाइम इज 1:39 यानी कि 2, यहाँ से एग्जैक्टली 4 घंटे लगेगा हमें। कहाँ जाना है वो तो मैं भूल ही गया। जमशेदपुर जाना है भाई, जमशेदपुर जाना है। कहाँ जाना है कैसे भूल सकता है तू। फिलहाल फिर से माँ के सामने थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर निकलेंगे। हे माँ, हमारे ट्रिप को अच्छे से निकालना। हम वापसी भाई उसी रोड पे मार्च हो चुके हैं, दिस इज NH20। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाके हम यहाँ से कट जाएंगे, करीबन कुछ 15-20 किलोमीटर के अंदर। एंड आखिरकार भाई धूप बड़ी तगड़ी निकल आई है, लेकिन इतनी भी तगड़ी नहीं है कि आपको गर्म लगने लगे। डिसेंट सा धूप है, अच्छा वेदर है, वेदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गाने चल रहा है, विथ मैप चल रहा है, हम 90 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, 350 किलोमीटर आ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर बचा है। लगभग 2 घंटे का रास्ता, 150 किलोमीटर 2 घंटे नहीं यार, 3 घंटे का रास्ता, 3-3.5 घंटे तो लग ही जाएगा। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 2:52 एंड वी आर हेडिंग टू वाट्स केउंझर। यहाँ आगे जसीपुर नहीं, ढेंकी कोट से कट जाएंगे जसीपुर के लिए रास्ता जो हो जाता है, फिर सिमलीपाल साइड से होते हुए हम निकलेंगे रायरंगपुर से तो आई थिंक 60-70 किलोमीटर के अंदर ही होगा। एंड बाय बाय 20 एंड वेलकम टू 20। भाई 20 को बाय बाय बोलने के बाद हम 220 को हाय हाय बोल रहे हैं। ये NH220 है एंड ये ऐसे ही जसीपुर तक 2-वे है, लेकिन बहुत ही अच्छे रोड है, बहुत ही वाइड रोड है, कम ट्रैफिक वाली रोड है, तो इसमें तो मज़ा ही आएगा। आप लोग देखते ही चलिए। इस रास्ते को मैं पहले यूज कर चुका हूँ, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट के साथ आ रहा हूँ। एंड दरअसल भाई साहब क्या गजबदार व्यूज है यार। ये केउंझर मैं हमेशा बोलता हूँ, केउंझर तो मुझे छा जाता है, यानी कि मस्त प्लेस है। आप दूसरा और कोई प्लेस भूल जाएंगे केउंझर में आने के बाद। फिलहाल चल रहे हैं, ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है एंड उससे ज़्यादा माइनिंग्स है एंड उससे ज़्यादा व्यू वाले वाटरफॉल्स है दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे आप एक चीज़ देखने को मिलेगा, हर चीज़ हर गांव के नाम के एंड में पोसी। आई थिंक पोसी का मतलब गांव ही होगा, आप जिस भी गांव के नाम चेक कर लो भाई, लास्ट में पोसी ही होगा। ये देखिए मौली पोसी। ओ भाई गलती हो गया, हम टाउन के अंदर घुस गए। कोई नहीं, चलिए आपको पटना घुमाते हैं। वो पटना का बाईपास था, ये पटना का टाउन के अंदर वाला रोड है। दिस इज पटना सूर स्टेशन। भाई मैं पटना 3-4 बार आ चुका हूँ। एंड दिस इज द प्लेस जिसको बहुत बार हम आपको ड्रोन के व्यू से दिखवाए हैं, मज़ेदार प्लेस है। अगर वो ड्रोन का वीडियो होगा तो आपको दिखवाएंगे। फिलहाल वो एक बहुत ही फेमस शैवपीठ है, यहाँ पे 2-3 बार मैं रुक चुका हूँ। आगे जाके भीमकुंड के लिए नहीं, पीछे वहाँ पे रुक गया, भीमकुंड के लिए रास्ता था, जहाँ से 8-10 किलोमीटर के बाद भीमकुंड आ जानी चाहिए थी। फिलहाल अपार्ट फ्रॉम दैट हम अभी भाग रहे हैं, बस 6 बजे तक पहुंच जाना है शाम होते होते पहले, शाम होने से पहले। भाई 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 दिस इज द वे टू भीमकुंड।
भीमकुंड एक बहुत ही अच्छे से प्लेस है, ऊपर आई बटन में वो भी वीडियो, वहाँ भी हम ट्रैवल कर चुके हैं, जाके देख लो भीमकुंड ऊपर आ रहा होगा। इतने मज़ेदार ड्रोन शॉट्स है ना भीमकुंड का, आप जाके एक बार चेक तो कीजिए भाई। ये सड़क पे इतना ज़्यादा हम्स क्यों है यार, ये हम्स ना बहुत ही परेशान करते हैं यार। अब देखो मैं चल रहा था बंदा 80 पे एंड मेरा स्पीड आ गया 8 पे। भाई 8 और 80 में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक जीरो के फर्क है, लेकिन वही जीरो बहुत कुछ कर देता है। फिर से देखो हम्स आ गया, मैं 55 तक गया था कि हम्स। So here we are somewhere around करंजिया, हाँ करंजिया के आसपास कहीं पे है। यहाँ से करंजिया करीबन 50 किलोमीटर है। तो भाई पिछवाड़े दर्द कर गया एंड हवा के वजह से आंखें मेरे लाल हुआ पड़ा है। फिलहाल पीछ मेरा आप लोग देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सा व्यू है एंड मज़ेदार रास्ता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लिए हैं एंड ब्रेक लेके फिर से यहाँ से निकलते हैं एंड भी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। थोड़ा थोड़ा सा मुझे हवा छोड़ देनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं, चलिए देखते हैं कितना तक ये संभाल पाता है टायर। करंजिया टाउन, हम करंजिया टाउन को बाईपास करते हुए चल रहे हैं जसीपुर की तरफ। जसीपुर या जसीपुरा क्या ऐसा, इन दोनों में से कोई एक होगा यार। तो हम चल रहे हैं जसीपुर की तरफ, जसीपुरा की तरफ, दोनों बोल दिया मैंने आपको, जो समझना है समझ लीजिए। तो फिर हम चल रहे हैं जसीपुरा की तरफ एंड वहाँ से हम आगे जाके कट जाएंगे रायरंगपुर की तरफ। रायरंगपुर ओ भाई साहब, इतने खुली सड़क देना क्या यार, सीरियसली तोबा तोबा तोबा, इतने खुले सड़क कौन बनाता है भाई। तब से 80 से तो नीचे नहीं जगाया मैं एंड टाइम घट के करीबन 10-15 मिनट घट गया। 6:12-13 मिनट दिखा रहा था, 5:53 मिनट दिखा रहा है। फिलहाल वी आर मोर्ड विथ फिर से हाईवे, कौन से वाले हाईवे भाई, दिस इज वही वाली हाईवे नंबर 20। तो आगे जसीपुरा का गेट है जो कि खैरी गेट है, तो चलिए आपको जसीपुरा का खैरी गेट दिखाते हैं एंड भाई हम जसीपुर के कहीं आसपास है जो कि खैरी गेट है, शायद आई थिंक ये वाला है, ये स्ट्रेट वाला है होगा। तो आपको रुक के गेट दिखाते हैं। खैरी टाइग्रेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। सो दिस इज द गेट ऑफ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट खैरी, द लीजेंडरी टाइग्रेस, उसके बारे में पूरा लिखा है सरोजराज चौधरी जो कि फील्ड डायरेक्टर थे। ये जो खैरी थी ये 1 week ओल्ड थी जब उनको मिली थी, तो वो दोनों काफ़ी हद तक फ्रेंड बन गए थे। तो उसके बाद खैरी इसी गेट में यही प्लेस में 1981 को मेटिंग करते समय उसकी डेथ हो गई थी एंड दिस इज भाई सिमलीपाल का ये सारा कुछ स्टे है। हम बरहा पानी में स्टे किए थे एंड बाकी चाहल, खैरी निवास, जोरंदा, अस्कल, उसकी जमुनाई, कुमारी, इसमें से काफ़ी जगह हम घूम चुके हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा एंड दैट्स इट। चलिए चलते हैं। सो बाय बाय खैरी गेट, ऊपर आपको आई बटन पे ये खैरी गेट का सारा कुछ आ रहा होगा, तो जाके भाई
चेक कर लो सिमलीपाल के बारे में, उसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है। तो बाय बाय खैरी टाइगर, सॉरी टाइगर नहीं, तू तो टाइग्रिस थी। और यहाँ से 2 hours 45 minutes दिखा रहा है जो कि 113 kilometers, एंड यहाँ से हम चलेंगे रायरंगपुर होते हुए रायरंगपुर। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ कि वो जो करंजिया था वहाँ से हम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं। फिलहाल ये हमारा आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद हम एंटर होंगे कहाँ गुरु, ओजा शुरू झारखंड। भाई झारखंड, झारखंड में एंटर होने वाला है। भाई 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 कहाँ से आ रहा है तू, सो के चला रहा है बंदा। नहीं नहीं नहीं, उसको हम स्कूटाना था। बुबुन का फोन आ रहा है, ये देखो बुबुन का नंबर, कॉल करो इसे, परेशान करो, हमें परेशान कर रहे हैं बंदे। चलो फोन उठाते हैं। चलो कवर्ड एग्जैक्टली 425 kilometers, 426 होने वाला है, एंड और यहाँ से बचा है एग्जैक्टली 105 kilometers, तो 530 kilometers जाएंगे आज हम। ज़्यादा दूर नहीं है तो कोई परेशानी की भी बात नहीं है। मज़े लूटते हुए चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, रोड को बिल्कुल हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए 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 देखिए, रोड हमें रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है भाई, ऐसा छाँव है, छाँव के नीचे हम से, तो कैसे आपको पता चलेगा है बताइए। एंड यहाँ पे कोई एक मार्ग भी नहीं है कि हम से बोल के। इस रायरंगपुर घाट सेक्शन है, छोटा सा शायद घाट सेक्शन है, इतने ज़्यादा ग्रीनरी से भाई रात को तो इस तरफ आने में डर ही लग जाएगा, लेकिन अच्छा रोड है, मज़ेदार रास्ता है। मैं इस टेरेन में कभी नहीं आया था, फिलहाल मज़ा तो आ ही रहा है। वी एंटर्ड रायरंगपुर एंड दिस इज रायरंगपुर एंट्री मार्केट एरिया, ड्राइव फ्लो। रायरंगपुर एंटर हो चुके हैं, यहाँ से और 70 kilometers बचता है, 70 kilometers के लिए 2 hours दिखा रहा है, यानी कि आगे रास्ता ख़राब है। एंड मैंने भाई को बोल दिया था कि भाई आप भेज दीजिए हमें अपना लोकेशन, तो आगे थोड़ा चल के कहीं पे रुकेंगे, देखेंगे व्हाट्सअप वगैरह लोकेशन आया है कि नहीं, नहीं आया होगा तो फिर से फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके परेशान करेंगे, एंड लोकेशन जब आ जाएगा तब हम पहुंच जाएंगे। बस इतनी सी बात है, पुरुणा घाटी, आगे कोई घाट सेक्शन है क्या? तो भाई पहली बात तो ये, रायरंगपुर कवर करने के बाद हमारा गाड़ी ऐसा दिख रहा है, एंड पीछे के टायर में मैं अभी अभी देख रहा था यार, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा क्रैक आ रहा है। ऐसा क्यों भाई, कल ही नया टायर डाला है। ओए टीवीएस वाले क्या कर, ओए एमआरएफ वाले क्या कर रहे हो, गाड़ी की हालत तो ऐसे भी पतली है। फिलहाल हवा और ज़्यादा घटानी पड़ेगी, तो ठहरा वेले आदमी, देखिए कैसे होके खड़ा हूँ, बाल बाल सारे बिखरे हुए पड़े हैं। 470 किलोमीटर आ चुके हैं और 60 किलोमीटर के करीब जाना है, 530 किलोमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 hours लगने चाहिए, तो एक छोटा सा रेस्ट ले लिया मैंने। चल आप मुझे क्या ही देख रहे हो, ये आप मुझे देख के कहीं हमारा वीडियो स्किप ना कर दे, वो अलग बात है। एंड व्यूज मज़ेदार है, थोड़ा सा छाँव मिला इसलिए रुक गया। एंड गाड़ी का कंडीशन देखो 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 क्या हुआ है, देखो गाड़ी भी बोल रहा होगा अबे साले कोई काम धाम तो है नहीं, 1 hour में मुझे गंदा कर दिया यार। कोई नहीं बच्चे, तुझे साफ करेंगे, जब वापस घर आएंगे तब भी साफ करेंगे, समझ गया ना तू, ये बोल रहा होगा साला कितना कमी ना है बे तू। आई थिंक हियर वी आर अराउंड द बॉर्डर ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, नहीं छत्तीसगढ़ कहाँ से आया भाई, झारखंड। तो यहीं पे कहीं पे एक
झारखंड एंड उड़ीसा का बॉर्डर आएगा। मैप में तो शायद अभी पता ही नहीं चल रहा है, अगर पता चल गया मुझे तो आपको दिखा दूंगा। आई थिंक वो वाला जो नाला अभी हम क्रॉस किए ना, वही शायद बॉर्डर होगा। झारखंड सीमा आरंभ हो भाई साहब, टाटा 35 किलोमीटर एंड झारखंड एंटर होते ही हमें मिल चुका है बहुत ही अच्छी वाली रोड सिंह सरदार। लेट्स स्टार्ट विथ ए न्यू स्टेट भाई झारखंड। झारखंड हम एंटर हो चुके हैं, रोड काफी बेहतरीन हो चुका है। ये इतना बड़ा सड़क था एंड छोटे होते होते कितना छोटा हो गया रे। यहाँ पे तो दो गाड़ियाँ क्रॉस भी नहीं कर सकते एंड नीचे जाएंगे तो कितना नीचे जाएंगे। पता नहीं यार ऐसा कैसे सड़क बनाए हैं झारखंड गवर्नमेंट ने, आई डोंट नो। वहाँ थोड़ा सा अच्छे से रोड बनाओ यार। कार करीबन 20-25 किलोमीटर के बाद ऐसी रोड मुझे दिखाई दी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। बहुत खुश हो गया भाई, चल ले अभी चल ले, गाड़ी चला ले। ड्रीम सिटी प्लॉट फॉर सेल, हाँ भाई हाँ, मैं अब भी आके खरीद लूँगा, मेरे पास करोड़ करोड़ की संपत्ति है। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से आप लोगों को बड़ी हंसी आ रही है यहाँ। साथ में हमारा ट्रेन लाइन चल रहा है एंड हम ट्रेन लाइन के साथ साथ चल रहे हैं, मजा तो आ ही रहा है। और 20 ही किलोमीटर है बस, अब भी पहुँच जाएंगे। फिलहाल टाइम 4:57 यानी कि 5 बज चुका है और 20-22 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 मिनट, ये 50 मिनट दिखा रहा है, फिर से कुछ घपला है भाई, नहीं तो 20 किलोमीटर को 50 मिनट तो कोई नहीं दिखा था। पीछे था लोहा नगरी जमशेदपुर में आपका स्वागत है। तो बेसिकली ऑफिशियली हमारा एंटर हो चुका है जमशेदपुर में, हियर वी एंटर टाटा। जबकि मैप दिखा रहा है और भाई 20 किलोमीटर जाना है, तो कोई नहीं, एंजॉय करते हुए चलेंगे, एंजॉय कराते हुए चलेंगे, हमारा काम ही क्या है। लेट्स गो एंड लेट्स डू इट मैन। बस ख़त्म तो हो ही गया आज का सफ़र। तो नहीं कह सकता लेकिन अनऑफिशियली वी एंटर्ड झारखंड, नहीं झारखंड सॉरी गलत बोल लिया यार, झारखंड क्या बोल रहा है, मार खाएगा बच्चे। सो ऑफिशियली वी एंटर्ड जमशेदपुर भाई साहब। मैं किसी स्ट्रीट में घुसा दिया और 7 किलोमीटर बचा है। 7 किलोमीटर अगर ऐसे जाना पड़ गया ना, यहाँ ही लद्दाख की ट्रेन एंटर हो जाएगा। लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ये गूगल माता के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। अब ये रोड में चलते चलते कुछ तो खास नहीं देखा लेकिन ये देखा, देखिए ट्रेन लाइन कितने नीचे है एंड हम कितने ऊपर है। ये शायद रांची वाला लाइन है, तो अभी हम रांची वाले लाइन के अगल बगल से होते हुए चल रहे हैं। एक लाइन नीचे है वो भी कहीं से घूम के स्टेशन की तरफ आ ही रहा होगा। चलिए हम स्टेशन के साइड से होते हुए गुजरते हैं। खो लद्दाख तो यहीं पे ख़त्म हो गया, और लद्दाख क्यों जाए। सो दिस इज आवर व्हीकल नाउ, द टाइम इज एग्जैक्ट 6:37 एंड मैं पहुंच गया था 5:30 को एंड घर पे चला गया था, वीडियो शूट नहीं किया था। फिलहाल अभी चल रहे हैं मार्केट की तरफ एंड ये भाई का गाड़ी है योन। फिलहाल अभी हम चलेंगे आई थिंक बुलेट पे, राइट। सो यहाँ पे कुछ स्नैक्स खाने रुके हैं,
बेसिकली ये मार्केट एरिया है एंड यहाँ पे डोसा बन रहा है हमारे लिए एंड यहाँ पे रोल खाएंगे या डोसा रोल खाएंगे, डोसा तो नहीं खाने वाले भाई। ये डोसा है एंड इतने खतरनाक वाले टेस्ट है और क्या बताऊँ, जो है अच्छा है। चलिए खाते हैं डोसा। भाई हियर आई एम एट विष्णुपुरा, जमशेदपुर विष्णुपुरा, जो कि एक मेन मार्केट है। फिलहाल गोप्रो नहीं लाए हैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ तो आपको कुछ भी व्यू दिखा नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स होते हुए आया। काफी ब्यूटीफुल सा प्लेस है, मजेदार सा व्यू से होगा तो कल आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। So here we are stand on Hotel Orchard। भाई यहाँ का एक ये 3-star होटल है एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टाटा स्टील का व्यू। ये एक टाटा स्टील है एंड यहाँ पे ये भी एक टाटा स्टील है, वो शायद टाटा मोटर हो सकता है। सो वहाँ पे खड़ा है XUV 7 अल्कोर, द अल्कोर भाई साहब। होटल तो मस्त है एंड यहाँ से व्यू भी मस्त है। दिन में होता तो आपको दिखा था, फिलहाल ये यहाँ का पहाड़ का व्यू है एंड यहाँ पे खड़ा है हमारा एनफील्ड। लेट्स गो। सो भाई नाउ द टाइम इज, कितना हुआ है ये दिखा दे, 9:20 एंड यहाँ से निकल रहे हैं कहीं पे बाहर, एक डिनर करेंगे फिर घर जाएंगे, सो जाएंगे एंड आज की वीडियो ख़त्म। जमशेदपुर जितना घूमना है घूम लिया आज, फिर कल घूमेंगे। फिलहाल आज रात को मम्मी आ रहे हैं ब्रह्मपुर से, वो कल सुबह, कल दोपहर को 11 बजे से कुछ पहुँचेंगे, याद नहीं है, देख के बोलूँगा। तो कल उन्हें रिसीव करेंगे एंड थोड़ा होगा तो टाउन दिखाएंगे। मैं सोच रहा हूँ परसों यहाँ से निकल जाऊँ, परसों नहीं होगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तो फाइनल यहाँ से निकलना। तो देखते हैं, ये वीडियो को ख़त्म करके डाल दूँगा, देखते हैं कब पब्लिश होता है। फिलहाल पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको एडिट करके डालना है तो वो भी डाल लेंगे। भाई मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, व्यूज़ देख रहा हूँ, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मैनेज कर लो। सो भाई इट्स टाइम इज, कितना है फोकस कर ले, 9:28 एंड इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं, लाइन है, हम भी अपने नंबर लगा चुके हैं, खड़े हैं, देखते हैं कब खाने मिलता है। भाई आज 500 किलोमीटर का राइड विथ ये सारा कुछ, थोड़ा सा तो थक गए हैं, ज़्यादा थके नहीं हैं। चलो स्प्राइट पीते हैं, स्प्राइट। ओ भाई आधे घंटे बाहर खड़े होने के बाद हमें अंदर घुसने का मौका मिला एंड अंदर तो घुसे हैं, लेट में ऐसे ही उनको जल्दी है कि कैसे जल्द बाहर जाएंगे और कुछ नहीं। तो टाइम हो रहा है 10:04 इतना जो लेट हो रहा है ना, कंबल फंबल लेके आके यहाँ पे सो जाने का, बस इतना ही मुझे अभी याद आ रहा है। अभी 10 हो रहा है, ये ला के देंगे, अभी तक स्टार्टर भी नहीं रहा है, स्टार्टर लाएंगे फिर मेन कोर्स लाएंगे। भाई आज तो 12 बज जाएगा, फिर घर क्यों जाएंगे, ऐसे ही सो जाएंगे। बहुत जल्द बहुत स्पीड से भेजे इनका। तो काफ़ी देर बैठने के बाद ये आ चुका है तंदूरी, नहीं भाई ये तंगड़ी है, तंदूरी तो नहीं है। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की ये रात तंगड़ी के साथ। सो भाई कुछ भी बोल लो, बिल्कुल अच्छा नहीं था खाना, तंदूरी हॉट, हाँ एंड थम्सअप एंड फिलहाल अभी तो टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो क्या हो रहा है,
पता नहीं यार क्या हो रहा है, 10:59 11 बज चुका है, यहाँ से घर चलेंगे एंड यहाँ से घर हमारा करीबन 30 मिनट की दूरी पे है, 10-15 किलोमीटर तो होगा ही, तो घर चलते हैं, आज सो जाएंगे, थक गए भाई था।